आइए चलिए हम आपको ले चलते हैं सोनू भैया के पास में, जो पिज़्ज़ा के लिए बहुत ही फेमस है। दोस्तों इनका पिज़्ज़ा आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। दोस्तों आज है 31st की नाइट, तो सभी बच्चों ने बोला कि आज कुछ बाहर खाना है, इसलिए आज हम पिज़्ज़ा खाने आए हैं। ये देखिए ये भैया जी पिज़्ज़ा किस तरह से बनाते हैं, आज इन्हीं से पूछते हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस लेने के बाद में आपने क्या लगाया भैया? पिज़्ज़ा सॉस। ओके, पिज़्ज़ा सॉस को आपको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। वाओ, तभी तो इतना टेस्टी लगता है। इसमें कैप्सिकम, टोमेटो और आपने अनियन डाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप पनीर पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए पनीर के इस तरह छोटे छोटे स्लाइसेस भी कट करके इसमें डाल रहे हैं। वाओ, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है एकदम, और इसे अच्छी तरह से आपने पूरा स्प्रेड कर दिया है। और फिर इसके बाद में आप भैया इसके बाद आप क्या डालेंगे? ओके, ओ चीज़, मोज़रेला चीज़, इतनी ढेर सारी चीज़। वाओ, फिर तो आज ये चीज़ी चीज़ें पिज़्ज़ा खा करके मज़ा ही आने वाला है। दोस्तों जब पिज़्ज़ा हम खाते हैं उसमें जो चीज़ निकलता है उसमें तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बड़ा ही मज़ा आता है। इसके बाद ये मेयोनीज़, वाओ, ये तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बन जाएगा। और साथ में भैया ये क्या डाल रहे हैं आप? ओके, अच्छा ये अमूल का छोटा क्यूब्स वाला जो आता है जी, ओके इसे भी हमें डालना ज़रूरी होता है क्या? हाँ जी, ओके, इसीलिए आप लोगों का पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे बच्चे अक्सर बोलते हैं सोनू भैया के पास पिज़्ज़ा खाने के लिए हमें चलना है। और अब ये रेडी हो गया है, अब इसे आप तंदूर में, इलेक्ट्रिक वाले तंदूर में आप इसे पकाएंगे। वाओ दोस्तों, ये पिज़्ज़ा देख रहे हैं ना, पनीर, आप इसी में आप कई सारी वैरायटी का भी पिज़्ज़ा बनाते होंगे, कौन कौन से आप बताइए? ओके, कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न, सारी तरह के पिज़्ज़े आप, सेम प्रोसेस। ओके, अब ये पकेगा। ये भैया कितनी देर से पकाएंगे आप? 7 से 8 मिनट। ओके वाओ, अब ये गया पकने के लिए। ओके, अब आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद है इसे अभी ऊपर अभी और पकाना है, ताकि जो अभी तो नीचे बेस पका हुआ था वो अच्छे से क्रंच हो गया, ऊपर से जो ये चीज़ वगैरह वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इसे भी आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। वाओ, अब तो हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया। अब भैया जल्दी से फटाफट से इसे निकाल दीजिए, क्योंकि अब बच्चों से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। इतना टेस्टी और इतना नीचे से एकदम क्रंची और ऊपर से एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा, हमारे बच्चे खाने के लिए बहुत ही जल्दी से एक्साइटेड हो रहे हैं। वाओ, न्यू ईयर की पार्टी तो आज बड़ी ही मस्त होने वाली है। वाओ, आप तो पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया बनाए हैं। दोस्तों आप लोग भी इसे कभी आइए फरीदाबाद तो ज़रूर ये सोनू भैया के पिज़्ज़े को एंजॉय कीजिएगा। और तब तक के लिए मैं तो जा रही हूँ पिज़्ज़ा को एंजॉय करने। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर।